हम बात करेंगे डिस्ट्रीब इंडिया के स्टॉक के बारे में। डिस्ट्रीब इंडिया के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको अप्रैल से यहाँ पर लगातार अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में यहाँ पर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में अराउंड 3% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से हमारे पास अब स्टॉक है 18.45 का जो लेवल है, ये स्टॉक वैसे सपोर्ट काम करेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन हमको यहाँ पर स्टॉक है 16.65, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 15.45, और अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 14.45 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसे नेक्स्ट आवर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में अगेन यहाँ से तेजी आती है तो यहाँ से तेजी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 20.60 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 23.25, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 27 और 30 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट आवर रेजिस्टेंस। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। धन्यवाद।